हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे अपने सेट नंबर 5 कहाँ के जीएस के, ठीक है। और ये जीएस जो है वो आपके सभी एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है सभी पेपर के लिए। और मैक्सिमम वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, 10 क्वेश्चन है तो पढ़ेंगे कैसे हम। पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा कि आपको क्या करना है, उसके बाद अगर आप मेरे को 10 में से कोई भी क्वेश्चन के आंसर आएंगे तो आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ पे है, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, खाने का नमक किससे बनता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइक्रोन इसे हम म्यू पढ़ते हैं कितना होता है, 10^10 कितना होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, इसका आंसर आपको बताना है, वो कौन सी परत है जिसमें ओजोन आपकी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, श्वास क्षेत्र का उपयोग करके श्वास के लिए किस जीव के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो श्वास क्षेत्र का उपयोग कौन करता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, आपको रतौंधी पूछा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया का सबसे कमजोर बल कौन सा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रेल प्राधिकरण का नया नाम क्या हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पहली जस्टिस सिटी कौन सी है। तो दोस्त ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन में से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर करेंगे, और नहीं आता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान ये आपका कहाँ पे है, यह है आपका कोलकाता में, कहाँ पे है, कोलकाता में, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपसे पेपर में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, खाने का नमक किससे बनता है, तो ये बनता है मजबूत अम्ल प्लस मजबूत क्षार से, ठीक है, क्षार आप जानते ही, जिसे हम बेस कहते हैं, ठीक है, और जो हम नमक यूज करते हैं उसे हम, उसका फार्मूला क्या है, NaCl, ठीक है, ये आपसे पेपर में बार बार पूछा जाता है, इसे हम खाने का नमक भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो होती है अनुदैर्ध्य, क्या होती है, अनुदैर्ध्य, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अनुदैर्ध्य की स्पेलिंग क्या होगी, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे होता है रा। चलिए यह हो गया अनुदैर्ध्य, और देखिए ध्वनि की जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है, स्टील में, ये आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टील बार बार आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा ध्वनि किसमें सुनाई देगी, स्टील में सुनाई देगी। क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइक्रोन कितना होता है, तो 1 माइक्रोन आपका होता है 10^-6, ठीक है। चलिए कुछ और भी बता देता हूँ, 10^-9 को हम क्या कहते हैं, नैनो, ठीक है, क्या कहते हैं, नैनोमीटर, ठीक है। 10^-12 को क्या कहते हैं, पिकोमीटर, ये सब ध्यान में रखिए, पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वातावरण का वो क्षेत्र जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, तो इसे हम कहते हैं समताप मंडल, समताप मंडल, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, ये पेपर में आपसे पूछा जाता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में नाम पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, श्वास क्षेत्र का उपयोग श्वास के लिए कौन सा जीव करता है, तो ये जीव है तिलचट्टा, तिलचट्टा, ठीक है, और तिलचट्टा का जो ब्लड होता है वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो ये है विटामिन ए, ठीक है, क्या है, विटामिन ए की कमी से हमें क्या होता है, रतौंधी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया का सबसे कमजोर बल कौन सा है, ठीक है, सबसे कमजोर बल, तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सबसे कमजोर प्रकार का बल है, ठीक है, और इसके अपोजिट सबसे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, सबसे कमजोर, तो सबसे शक्तिशाली, तो सबसे शक्तिशाली जो है वो कौन सा है आपका, ये है आपका न्यूक्लियर फोर्स, कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स,
को ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय खेल प्राधिकरण का नया नाम क्या हो गया है, इसका आंसर बताना है। तो इसका नाम हो गया स्पोर्ट्स इंडिया, SPORTS, स्पोर्ट्स इंडिया, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पहली जस्टिस सिटी कौन सी है, तो इसका नाम है अमरावती। अमरावती कहाँ की कैपिटल है, यह है आंध्र प्रदेश की, कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो देखिए दोस्त, ये हो गए 10 क्वेश्चन, ये आपके सभी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड फाइनली वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और खुश रहिए।